हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखा हुआ होगा। मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए आज, क्योंकि आज एक हफ्ता हो गया है हमें यहाँ पर बेल्जियम में लॉकडाउन सिचुएशन को, और एक हफ्ते से हम लोग बाहर नहीं गए हैं। और हम लोग एक हफ्ता पहले ही अपनी ग्रोसरी लेकर आए थे, 2 वीक की, मे बी 3 वीक की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डर गए हैं या कुछ, बट बेटर है। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब गवर्नमेंट ने बोला है कि आप लोग बाहर मत जाओ, तो किसी रीज़न से ही बोला होगा ना कि मत जाओ, क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना क्यों फैल रहा है। कोरोना कॉन्टैक्ट में आने से ही फैल रहा है, तो हम बाहर नहीं जाएंगे तो ये अपने आप से एक बड़ी बात होगी। पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक हम लोग बाहर ना जाएं, क्योंकि ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है इस टाइम पे कि हम लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जिस स्पीड से ये फैल रहा है तो ये एक तरह से ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है इस सिचुएशन पे। और हमें अपनी गवर्नमेंट का, अपने रिलेटिव्स का, सबका साथ देना है। और ये साथ हम सिर्फ एक ही चीज़ पर दे सकते हैं कि हम लोग ना निकलें बाहर, ना हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आए। और इटली का केस तो हम देख ही रहे हैं, विद इन 2 वीक कितने ही लोगों की डेथ हो चुकी है। यहाँ इटली की सिचुएशन तो हम देख ही रहे हैं कि विद इन 2 वीक क्या हाल हो गया है वहाँ पे। बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी एज के लोगों को कुछ नहीं होगा, हम तो जा सकते हैं, हो सकता है हमें ना कुछ हो, लेकिन हमारी वजह से अगर हम घर में वापस आते हैं, हमारे बच्चों को या हमारे बुज़ुर्गों को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी तो सही नहीं होगा ना। और मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कि जो लोग बाहर से आते हैं या जिन लोगों को कुछ सिम्टम है इस चीज़ के, वो लोग चेक क्यों नहीं कराते, वो छुप क्यों जाते हैं? अरे मतलब छुपने से पहले एक बार उनके दिमाग में ये सिचुएशन क्यों नहीं आती कि अगर वो छुप रहे हैं तो उनके ही रिलेटिव को या जिस घर में वो रह रहे हैं उन सबको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है ना सेफ्टी रखें, चेकअप कराएं। इतने लोगों का मतलब ये तो बददिमाग वाली बात हो जाती है एक तरह से ना, कि हम लोग छुप जाते हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट की हेल्प कीजिए। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है सेफ्टी रखने की, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इतनी एडवांस नहीं है कि वो इतने हॉस्पिटल वगैरह नहीं हैं कि सबका ध्यान रख पाएंगे। तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम बचा सकते हैं अपने आप को, अपने आसपास वालों को घर में रह के। तो प्लीज़ घर में रहिए और गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको मानिए। गवर्नमेंट ने बोला है कि घर में रहो तो घर में रहो, और ग्रोसरी के लिए पैनिक मत करो क्योंकि ग्रोसरी ओपन है। हाँ, इतनी ज़रूर ले लो कि आपका काम चल जाए 1 और 2 वीक का, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और जैसे मोदी जी ने बोला है कि शाम को बाहर आके क्लैपिंग करो, विसल बजाओ, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। यूरोप में ऑलरेडी ये अप्लाई हो चुकी है। इवन यूरोप में आप मानोगे, शाम को 8 बजे विसल बजाते हैं लोग, क्लैपिंग करते हैं, बर्तन बजाते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा मुझे बड़ा अजीब लगा कि बर्तन बजाते हैं, बट हाँ, ये लोग बर्तन बजाते हैं, विसल बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं, और अपने आप को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वो लोग घर में रहे हैं, उन्होंने अपनी सेफ्टी की है और अपने आसपास की सेफ्टी की है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्लिप दिखाती हूँ, ये इवनिंग की क्लिप है हमारी, और बट इतनी क्लियर नहीं होगी क्योंकि मोबाइल से जूम करके बनाई है, बट आपको मैसेज ज़रूर मिल जाएगा कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग देखिए और आप अप्लाई कीजिए। प्लीज़ अप्लाई करिए इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का साथ दीजिए, अपनी सेफ्टी करिए, लोगों की सेफ्टी अपने आप ही हो जाएगी। तो एक दूसरे को सेव करने के लिए जस्ट सिर्फ घर में रहिए, घर में रहिए और घर में रहिए। हेल्प कीजिए गवर्नमेंट की। थैंक यू।